आप पत्थर भी खा लो पच जाएगा। बेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप कौन सा है? पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छा सिरप कौन सा है? अगर आपका मन में इस टाइप का सवाल है तो इस वीडियो आपके लिए बहुत फायदा वाला और लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आप इसको पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका साथ साथ दूसरा भी लाभ उठा सके। क्या आपका खाना पच नहीं रहा है? पाचन शक्ति कमजोर हो गया है? पेट में खाना सड़ा हुआ पोजीशन में है, इसके लिए आपको पेट हमेशा भरा भरा लगता है, गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, अम्बल हो रहा है, सीना में जलन हो रहा है और साथ साथ भूख भी नहीं लग रहा है, तो ये चिंता का विषय है क्योंकि आगे जाके बड़ा बीमारी बन सकता है। आपने डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ ऐसा एक बढ़िया डाइजेस्टिव सिरप दिया है जिसका नाम है यूनी एंजाइम सिरप। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे यूनी एंजाइम सिरप के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसका कीमत क्या है, इसका क्या फायदा मिलता है, लेने का क्या तरीका है, क्या ये पानी का साथ ले या दूध का साथ ले, क्या ये खाली पेट में ले या खाने के बाद ले, और इसका कोई साइड इफेक्ट्स है तो क्या है, ये लेने का टाइम में हमें क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है, और लास्ट में FAQ यानी आपका सवाल और हमारा आसान सा जवाब। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये यूनिकेम लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया 200 ml सिरप का कीमत है ₹133, जो कि हर केमिस्ट शॉप पर आसानी से मिल जाता है। अगर ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट पर मंगा सकते हो। अभी आप पूछोगे यूनि एंजाइम सिरप का फायदा क्या है, इसको लेने में हमें क्या क्या बीमारी ठीक हो सकता है और उसका यूज क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले हम आपको बता दें, जिसका पाचन शक्ति बिल्कुल कमजोर हो गया है, खाना पच नहीं रहा है, पेट हमेशा भरा भरा लगता है, भूख बिल्कुल नहीं लग रहा है, जिसका हजम शक्ति यानी पाचन शक्ति बिल्कुल कमजोर पड़ गया है, उसका पेट में खाना सड़ सड़ के, इसका कब्ज और कई तरह का पाचन संबंधित बीमारी हो गया है, तो डॉक्टर उसी पोजीशन में यूनी एंजाइम सिरप देते हैं। ये पाचन संबंधित कोई भी बीमारी को आसानी से ठीक कर देते हैं। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी आप पूछोगे यूनि एंजाइम सिरप का साइड इफेक्ट्स क्या है। ऐसे तो ज्यादा साइड इफेक्ट्स इस पे नजर नहीं आता, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, जैसे नितली और उल्टी जैसा महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो जाना, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि यूरिनेशन भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये आपको 2-3 दिन में आसानी से ठीक हो जाएगा। आप पानी का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए पीने में और एक दो हरी सब्जी खाने में ज्यादा ले लीजिए, आप देखोगे 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर ये लेने के बाद आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, शरीर में चोकीता चोकीता हो जाए, तो आप इस सिरप को लेना बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। अभी आप पूछोगे इसका डोज क्या है। जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल का बीच में है, वो रोजाना लंच का बाद एंड डिनर का बाद 2 चम्मच लेंगे, यानी 2 चम्मच करके रोज लेंगे। और जिसको उम्र 11 से लेकर 15 साल का बीच में है, वो 1 चम्मच रोज लेंगे लंच का बाद और डिनर का बाद। और जिसको उम्र 6 से लेकर 10 साल का बीच है, वो 2.5 ml लंच का बाद और डिनर का बाद लेंगे। और जिसको उम्र इससे भी छोटा है, छोटा बच्चा के लिए आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। और एक बात है, जिसका शुगर और ब्लड प्रेशर का समस्या पहले से है, वो कृपया करके
डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। अभी आप पूछोगे इतना बढ़िया सिरप है तो इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें डायस्टेस 50 मिलीग्राम मिल जाएगा, जिसको हम फंगल डायस्टेस बोलते हैं, और पेप्सिन जो कि 10 mg मिल जाएगा। अभी आप पूछोगे ये लेने का टाइम में हमें क्या क्या सावधानियां बरतना पड़ता है, क्या क्या सेफ्टी का अवलंबन करना पड़ता है? जब आप ये सिरप को लोगे उसका पहले आपको सिरप को अच्छे तरह से सेक कर लेना है ताकि अच्छे तरह से मिक्सअप हो जाए, और इसको आपको घर में 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है, और थोड़ा अंधेरा जगह में रख लेना है, बिल्कुल छोटे बच्चे से थोड़ा सा दूरी बना के रखे। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन मदर है, अगर वो लेना चाहते हैं तो कृपया करके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले जो किस टाइम में लेना है और लेना है या नहीं लेना है। और जिसका ऑलरेडी किडनी, लीवर और हार्ट का क्रॉनिक डिजीज है, वो लेने का पहले बिल्कुल डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। कुछ लोगों मन में ये डाउट होता है जी भाई विटामिन सी का कमी हो गया तो हम क्या करें, तो आप लिमसी टैबलेट ले सकते हो, जो कि ये वाला वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं जी भाई हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाए, हमारा आयरन का कमी हो गया है, तो आप डेक्सोरेन सिरप उनको दे सकते हो, जिसके लिए ये वाला सिरप का जो वीडियो है देख लेना। अभी आ जाते हैं FAQ, यानी आपका सीक्रेट सवाल और हमारा आसान सा जवाब। कुछ लोग बोलते हैं क्या यूनि एंजाइम सिरप खाली पेट में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, आप खाने के बाद ही इसको देने का प्रयत्न करें। कई लोग बोलते हैं क्या ये अल्कोहल का साथ लिया जा सकता? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। कुछ लोगों के ये मन में है जे यूनि एंजाइम सिरप जो है आदत तो नहीं बना देगा, नहीं, ये आदत बनाने वाला सिरप नहीं है। आपको जितना दिन का जरूरत है उतना दिन लीजिए, इसका बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके डिसाइड करें आगे क्या करना है। आशा करता हूँ आपका सारे इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। जो लोग दांत खाज खुजली से परेशान है, बार बार वो वापस आ जाता है, रिकरिंग हो जाता है, वो लोग ड्राइटन वाला वीडियो देख लेना। और जो लोग चाहते हैं जे भाई वेट गेन करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।